राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अजा एकादशी व्रत भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार की ये तिथि 15 अगस्त शनिवार के दिन को पड़ रही है, जिससे दोस्तों शनिवार के दिन एकादशी पड़ने से ये एकादशी और भी शुभ संयोग में बन रही है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन इनकी आराधना भी की जाती है, साथ इस दिन लक्ष्मी जी को भी पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अजा एकादशी व्रत से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो इसका व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। जो भी व्यक्ति अजा एकादशी के दिन व्रत रखता है, उस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। तो अगर दोस्तों इसी एकादशी के दिन अगर हम कुछ विशेष उपाय करते हैं तो उस उपाय का बहुत ही जल्दी परिणाम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को बहुत ही अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए आपको एकादशी के दिन इन उपाय को अवश्य करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दोस्तों बताने जा रहे हैं कि एकादशी के दिन गाय से संबंधित कौन से उपाय हमें करने चाहिए, जिसे करने मात्र से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहे। इससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखकर जरूर भेजिएगा। ऐसे ही सभी प्रकार के व्रतों में एकादशी का जो व्रत होता है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में सभी भगवान श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर को बताया और अर्जुन को बताया था कि अजा एकादशी का व्रत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी रखा था, जिसके बाद उनके सभी पापों से मुक्ति मिल गई थी। तो जो भी व्यक्ति इस दिन अजा एकादशी का व्रत रखता है उसे भगवान विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इस दिन जो व्रत रखता है विधि पूर्वक व्रत रखने और पूजा करने से इंद्रियों को नियंत्रित करने की प्रेरणा मिलती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेता है उसे संसार का सारा रहस्य समझ में आ जाता है और समस्त प्रकार से छुटकारा मिल जाता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों एक अजा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो एकादशी की सुबह आपको जल्दी उठना है, स्नान करना है, साफ कपड़े पहने, साथ ही विष्णु भगवान का ध्यान करें। अपने घर की पूर्व दिशा पर एक पटरे पर लीला पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की फोटो स्थापित करें, धूप दीप जलाएं और मिट्टी कलश को स्थापित करें। भगवान के लिए पीले फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पण करें और सभी भी पीले आसन पर बैठ जाएं। और भगवान विष्णु जी के महामंत्र का आपको जाप करना है, जिसे अजा एकादशी के विशेष रूप से जाप किया जाता है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। पूरे दिन आपको निराहार रहकर शाम को समय अजा एकादशी के व्रत कथा सुने, फलहार करें। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक गाय के घी का दीप अवश्य जलाएं। और दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उसके बाद सभी खाना अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग तरह तरह के व्रत किया करते हैं और बहुत से लोग भगवान में कुछ ज़्यादा ही आस्था रखते हैं। वैसे ही ये बात भी खास बात है कि जितने भी व्रत होते हैं उन सबका महत्व अलग अलग माना जाता है, कि हर एक व्रत रखने का अलग ही फल मिलता है। साथ ही एक व्रत होता है जिसका नाम है एकादशी व्रत, जो कि भगवान विष्णु जी के समक्ष रखा जाता है एकादशी के दिन। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों एकादशी के दिन हमें कौन सा उपाय करने से हमें सफलता मिलने लगेगी। तो दोस्तों आपको पहले बताया था कि हमें गाय से संबंधित एकादशी के दिन जरूर उपाय करने चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों गाय से संबंधित उपाय के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में गाय का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। आमतौर पर गाय को माता कहा जाता है और ज़्यादातर जगहों पर गाय की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार गाय एक ऐसी प्राणी है जिसमें 33 करोड़ देव देवता का वास होता है। अगर आप एक गाय को रोटी खिलाते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप 33 करोड़ देव देवता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि गाय में 33 करोड़ देव देवता वास करते हैं।
और हिंदू धर्म में गाय को माता का भी दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना गया है। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है तो सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गाय की नियमित रूप से सेवा करते हैं तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो अगर रोज 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लगाया जाए तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और क्या हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा होती है और मात्र एक गाय को भोग लगाने से 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लग जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों, आप चाहते हैं कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा करें तो नियमित रूप से एक नियम बना लीजिए कि आपको गाय की सेवा अवश्य करनी है और गाय की रोटी अवश्य देनी है। जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियां ही तर जाती हैं, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार के सभी सुख भोगती हैं। तो दोस्तों, आपको एकादशी के दिन सुबह जब आप रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी आपको अग्नि माता को अर्पित करनी है। अब पहली रोटी अग्नि माता को भोग लगा दीजिए। अगर दूसरी रोटी बनती है उस रोटी को आपको गाय माता के नाम से अलग कर देनी है। फिर रोटी हो जाए पूरी तो उसके बाद आपको उस रोटी के अंदर थोड़ी सी हल्दी, दोस्तों हल्दी भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है, तो उसके अंदर थोड़ी हल्दी और आपको गुड़ मिलाकर किसी बैठी हुई गाय को खिला देनी है। दोस्तों इस प्रकार हल्दी, गुड़ और रोटी खिलाने से, इस उपाय को करने से भगवान विष्णु बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों दिन इस गाय से संबंधित ये उपाय जरूर कीजिएगा जिससे आपकी जो परेशानियां आ रही हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। और ऐसे ही दोस्तों, एकादशी पर गाय के कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक। और हमारे जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर करते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस एकादशी के दिन गाय से संबंधित ये उपाय जरूर कीजिएगा। दोस्तों गाय एक ऐसी प्राणी है जिस घर के आसपास भी गाय का वास होता है, उस घर के आसपास कभी भी नकारात्मक शक्तियों का निवास नहीं होता है, हमेशा सकारात्मकता उस घर के आसपास बनी रहती है। तो इसलिए दोस्तों, आपको एकादशी के दिन ये व्रत भी अवश्य करना है और इस गाय से संबंधित उपाय जरूर करना है जिसे दोस्तों कन्या माता से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है।